नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं उदयपुर पोस्ट। उदयपुर पोस्ट में आज जो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है। मानसून से पूर्व पौधरोपण का आगाज, दिनेश भट्ट ने कहा पर्यावरण संरक्षण में सामाजिक संगठन आगे आए। जनार्दन राय, नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम टू बी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस एस सारंग देवोत को किया गया सम्मानित। प्रवासी भारतीयों के लिए कुवैत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से, प्रशासन ने किए पुख्ता व्यवस्थाएं, जिला मजिस्ट्रेट ने दिए विस्तृत निर्देश। सरस बूथ पर अन्य व्यवसायिक गतिविधियां पाए जाने पर मेयर हुए सख्त, कहा बंद करवाए डेयरी प्रबंधन नहीं तो निगम निरस्त करेगा आवंटन। बापू बाजार के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, बोले खुदा पड़ा है बाजार। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से की मुलाकात, पाठ्य पुस्तकों में समाज की अस्मिता से जुड़े मान बिंदुओं के संरक्षण करने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। बंशीचा कुटुंब संस्थान की ओर से गुरुवार को शुभागपुरा सॉफिट रोड पर पौधरोपण का शुभारंभ संस्थापक नानालाल व्या, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट, महामंत्री प्रेम सिंह शक्तावत, नगर निगम गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी, पूर्व पार्षद जगत नागदा, प्रभुलाल प्रजापत, एडवोकेट प्रवीण खंडेलवाल, नीरज अग्निहोत्री, महेश भावसार, आनंदीलाल संचेती ने किया। इस अवसर पर भट्ट ने कहा कि संस्थान द्वारा कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों को भोजन पैकेट, राशन किट, बेजुबान जानवरों के लिए बिस्किट, भीषण गर्मी में पौधों को पानी पिलाना, सार्वजनिक स्थानों पर 100 से अधिक सैनिटाइजर मशीन भेंट की जैसे सराहनीय कार्य किए। भट्ट ने सार्वजनिक सामाजिक संस्थाओं से पर्यावरण संरक्षण में भी आगे आने की अपील की। नानालाल बया ने बताया कि संस्थान द्वारा खाली स्थानों पर 15 फीट वाले गुलमोहर, नीम, जामुन सहित 251 फलदार व छायादार पौधे लगाए, जिसके संरक्षण भी संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नाम का एक एक पौधा रोप उसके संरक्षण का संकल्प लिया। वैश्विक महामारी कोरोना में लॉकडाउन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनार्दन राय, नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर एस एस सारंग देवोत का गुरुवार को नई पहल एजुकेशन ट्रस्ट जिब्र न्यूज आगरा की ओर से संस्था के एंकर आरिफ मोहम्मद, ट्रस्टी रियाज हुसैन, आशीष नंदवाना, डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान ने उपरना उड़ाकर व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सारंग देवोत ने बताया कि विद्यापीठ के होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की टीम द्वारा लॉकडाउन के दौरान 65,000 से अधिक उदयपुर, राजसमंद व ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर आमजन में इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से आर्सेनिक एल्बम, 30 होम्योपैथी दवा व मास्क का वितरण किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण भी किया गया। प्रोफेसर सारंग देवोत ने संकट के समय आमजन से सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर आगे आने की अपील की। सरकारी जमीन पर सरस बूथ लगाकर डेयरी उत्पाद के अतिरिक्त दूसरी व्यवसायिक गतिविधियां करने पर रोक लगाने के लिए निगम सख्त हो गया है। इसको लेकर मेयर जीएस टांक ने डेयरी चेयरमैन गीता पटेल से चर्चा कर कहा कि शहर में जिन सरस बूथ पर सरस के अलावा अन्य उत्पाद बेचे जा रहे हैं, बूथ संचालकों को जिन शर्तों पर जमीन का आवंटन किया था उसकी पालना होती नजर नहीं आ रही है। अगर यह बंद नहीं करवाए गए तो निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। इधर डिप्टी मेयर पारस सिंह भी ने निगम आयुक्त अंकित कुमार सिंह को ऐसे सभी सरस बूथ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। बता दें कि निगम की पिछले दिनों हुई राजस्व समिति की बैठक में भी सदस्य इस मामले में सवाल उठा चुके हैं। निगम को कुछ जगह बिना किसी आवंटन के भी सरस नाम के कैबिन लगाकर व्यवसाय करने की शिकायत आई है। डिप्टी मेयर ने बताया कि आवंटन के समय सरस उत्पाद के अलावा अन्य गतिविधियां संचालित नहीं करने के लिए पाबंद किया गया था। आवंटन के समय शर्त संख्या 7 में स्पष्ट किया गया था कि बूथ पर केवल दुग्ध पदार्थ, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट ही बेचने की अनुमति होगी। दूसरे व्यावसायिक पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर 7 दिन का नोटिस देकर अनुज्ञा निरस्त कर कैबिन सीज किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में सरस कैबिन में अन्य कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। मूल आवंटी को ही कैबिन संचालन करना अनिवार्य है, लेकिन बूथ संचालकों की जांच की जाए तो करीब 90% सरस बूथ ऐसे होंगे जिनको आवंटी ने सबलेट कर दिया या फिर दूसरे व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे में जांच की जाए तो आधे से ज्यादा लोगों के आवंटन निरस्त हो जाए। सीवरेज के कार्य से खुदा बापू बाजार के व्यापारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बताया कि सड़कें खुदी होने से रास्ते बाधित हैं और दिन भर मिट्टी उड़ती है। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पहले तो वे कोरोना के लॉकडाउन से ही धंधा ठप था, अब बाजार अनलॉक हुआ तो बाजार में L&T कंपनी ने सीवरेज के लिए बाजार को खोद रखा है, लेकिन काम जून महीने में पूरा नहीं हुआ। विरोध के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी के ACO प्रदीप सिंह संगावत के साथ बैठक में व्यापारियों ने अपना दर्द सुनाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह, सचिव विजय, उपसचिव उमेश गखरेजा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए।
जिले के प्रभारी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को उनके परिजनों और बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा कोरोना के संकट काल में गरीब परिवारों को मास्क व फल बांटे गए। सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों को मास्क बांटते हुए इस महामारी से बचने के लिए इसको नियमित उपयोग का सुझाव दिया। इसके साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य राजीव मेघवाल, अभिषेक मेघवाल, रमेश मेघवाल, भानु प्रताप सिंह, रोहित पालीवाल आदि कई लोग उपस्थित रहे। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मिलकर पाठ्य पुस्तकों में मेवाड़ के इतिहास प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप व महारानी पद्मिनी से संबंधित वर्णन को ऐतिहासिक व तथ्य आधारित करने व समाज के अस्मिता से जुड़े मान बिंदुओं के संरक्षण करने की मांग की। भाजपा नेता विजय प्रकाश विप्लवी ने बताया कि शिक्षा मंत्री डोटासरा ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने सभी पक्षों की आपत्तियों पर पूर्व में पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया है, आगे भी करेगी। सुझाव का सदैव स्वागत है। सरकार समाज की भावनाओं व देश के गौरव व महापुरुषों के सम्मान के लिए सदैव संकल्पित है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। लॉकडाउन के बाद कुवैत से प्रवासी भारतीयों को लेकर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर शुक्रवार 3 जुलाई से इंडिगो व जजीरा एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ हुई। इस दौरान प्रवासी भारतीयों की जांच और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स तक पहुंचाने सहित तमाम अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग दायित्व दिए। आदेशानुसार कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ एयरपोर्ट पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने व क्वारंटाइन सेंटर जाने वाली बसों में कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए पुलिस विभागीय अधिकारियों को नियुक्त किया है। वहीं इमिग्रेशन जांच के लिए सीआईडी जोन इमिग्रेशन विभाग को निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर आंतरिक व्यवस्था के लिए मावली एसडीओ रमेश सिरवी पुनाड़िया तथा बाहरी व्यवस्था के लिए वल्लभ नगर एसडीओ शैलेश सुराणा को नियुक्त किया है। इसी प्रकार पेयजल व्यवस्था के लिए एसडीओ ज्योति ककवानी, यात्रियों के सशुल्क क्वारंटाइन व्यवस्था के लिए पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना, यात्रियों की चिकित्सा जांच के लिए सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश कराड़ी, जिलेवार बसों की व्यवस्था के लिए रोडवेज मुख्य प्रबंधक महेश उपाध्याय को दायित्व दिया है। इसी प्रकार अतिरिक्त कलेक्टर ओपी बनकर को नोडल अधिकारी व जिला क्वारंटाइन अधिकारी प्रोटोकॉल अधिकारी महावीर खराड़ी को उदयपुर एयरपोर्ट पर समस्त व्यवस्थाओं के लिए समन्वय व प्रभारी अधिकारी तथा एयरपोर्ट निदेशक सुश्री नंदिता की अनुमति संबंधित समन्वय व एयरपोर्ट के भीतर संसाधनों की व्यवस्थाओं के लिए दायित्व दिया गया है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।